हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये मेरे पास साइंस का दोस्तों सेट आई का, ठीक है दोस्तों, सेट आई का मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आप लोगों का सेट है यहाँ पे 10 सेट में बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पर दिया है इस बार, जो भी आप लोगों का सेट है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन को बोल के और आंसर देने वाला हूँ। सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी 40 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो वीडियो पे जो है लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दबाने के साथ एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैथ का वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे सेट आई का क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी आप लोगों का सेट है वो अपना मिला लो, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बोल बोल के आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों में अभी शेयर कर दो इस वीडियो को, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन होगा। और किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है और आपका कितना नंबर आ रहा है मेरे आंसर के मुताबिक, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, क्या होता है दोस्तों, वो होता है लवण युक्त, ठीक है दोस्तों, साल्टी होता है। यहाँ पे 81 हो जाएगा राइट आंसर आपका। दो नंबर है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण का जो है धनात्मक होता है। तीन नंबर है कि मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है दोस्तों, वो अनुमस्तिष्क से निकलता है, प्रमस्तिष्क से निकलता है, ठीक है दोस्तों, पीछे के मस्तिष्क से। तो यहाँ पे तीन का ए हो जाएगा प्रमस्तिष्क से। चार नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों चार नंबर जो क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है, तो ये होता है समुद्र तट पे, ठीक है दोस्तों, चार का सी हो जाएगा समुद्र तट। पांच नंबर है कि हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो कितने बीच में कार्य करता है दोस्तों, ये 7 से 7.8 तक हो जाएगा। बहुत सारे गूगल में सर्च करना या आप लोग क्या इसका आंसर मारे हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। छः नंबर है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है चार्ज का, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा। सात नंबर है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये इनमें से सभी हो जाएगा, तो सात का डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए आठ नंबर है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो ये करता है प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों, आठ का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों नौ नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो क्या चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, और ये तीन जो ऑप्शन है इस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे नौ का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए दस नंबर है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर में, तो 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। 11 है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सिंपलेस्ट कंपाउंड पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथेन, ठीक है दोस्तों, 11 का ए हो जाएगा CH4 मिथेन। 12 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे दोस्तों आकाश को, तो वो दिखाई देता है काला, ठीक है दोस्तों, अपना लोगों को नीला दिखाई देता है आकाश, लेकिन अंतरिक्ष में अगर जाके देखोगे तो आकाश काला दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पे 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, तो जानते होंगे दोस्तों मोटरसाइकिल से चलना, ठीक है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि इससे ईंधन जो निकलता है दूषित गैस जो होता है धुआं, तो उसी के कारण वो पर्यावरण का अनुकूल नहीं होता है, तो ये 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो वृद्धि हार्मोन जो होगा दोस्तों ये होता है आपका थायरोक्सिन, ठीक है दोस्तों, ये वृद्धि हार्मोन होता है, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं बनते हैं दोस्तों, तो ये होता है डबल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 15 का आपका बी, डबल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन फर्स्ट सीटिंग में पूछा था हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा जा रहा है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो ये होता है दोस्तों सोडियम का, ठीक है दोस्तों, 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से सभी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक गैस 17 का सी हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, तो आप लोग क्या मारे हो इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। 18 नंबर है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जानते होंगे दोस्तों, एक केचुआ होता है,
यहाँ पे 18 का ही हो गया। ये देख सकते हैं मेरे पास सेट जो है आई का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आई आई सेट जो भी आप सभी का सेट है अपना मिला लो, क्वेश्चन जो भी हो सेट ए अगर आया तो यही क्वेश्चन आपको हो सकता है 10 नंबर में हो 20 नंबर में हो, तो अपना मिला लेना जो भी खोज के, ठीक है वीडियो को रोक रोक के। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों 19 नंबर जो क्वेश्चन आया, पूछा जाए कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है तो ये 19 का ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए 20 नंबर है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो तरल अवस्था में धातु पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 20 का बी। 21 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों ये मीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 21 का ए हो जाएगा मीटर। 22 नंबर है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों ये होता है CnH2n+2, तो 22 का ए हो जाएगा। देखिए 23 नंबर है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये हो जाएगा जैव मात्रा, ठीक है दोस्तों उसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैव गैस, तो यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो ये होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, लोड जब पड़ता है दोस्तों ओवरलोडिंग, तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है इसका विद्युत धारा का मान। 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है तो भी बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ, ठीक है यहाँ पे 25 का सी राइट आंसर हो गया। 26 है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिक्रमण करता है, तो ये हो जाता है लाल, ठीक है लाल रंग का परिक्रमण सबसे अधिक होता है। देखिए 27 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मस्सा, ठीक है दोस्तों और गोनोरिया सिफारिशा ये आपका जीवाणु जनित रोग है, लेकिन ये मस्सा है आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 28 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, ठीक है तो उपधातु यहाँ पे गैलियम हो जाएगा, तो 28 का सी हो जाएगा, और जिंक कॉपर ये सभी धातु अधातु है, लेकिन उपधातु जो है ये गैलियम हो गया 28 का सी। 29 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक इनसेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 2n², तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो गया। 30 नंबर है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो ये हो जाता है 30 का ए हवा में। 31 है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों 7, ठीक है 31 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। 32 का बी राइट आंसर है यहाँ पे। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है पपीता पुष्प, ठीक है दोस्तों पपाया फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे 33 का सी हो जाएगा। देखिए 34 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका अपचयन अभिक्रिया, ठीक है यहाँ पे 34 का ए हो जाएगा। 35 है कि समान अणु शिथिलीन रक्त दाब होता है 80 से 120 होता है, ठीक है दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा वो 120 मिलीमीटर होगा या फिर 100 मिलीमीटर, जो आप लोग क्या मारे हो दोस्तों इसका जवाब मुझे ज़रूर बताना, ठीक है क्योंकि सामान्य पूछा जा रहा है, रेंज देना चाहिए इसको दोस्तों। देखिए 36 है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो सुरंगम जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की है, सुरंगम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो हिमाचल प्रदेश की जल संग्रहण व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, आपको पूछा जा रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अपवर्तन जो होता है अपवर्तन सबसे ज़्यादा वो दृष्टि पटल पर रेटिना पर होता है, ठीक है दोस्तों। ये 38 नंबर है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो ये हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन, ठीक है यहाँ पे 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये जो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी विकिरण को जो है वो करता है, इनमें से सभी देखिए दोस्त आप लोग क्या मारो, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण को ही वो ओजोन परत बचाती है, ठीक है उसको आने से पराबैंगनी किरण से। देखिए 40 नंबर है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। 40 का यहाँ पे राइट आंसर सी है। तो आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, ये मेरा जो है आंसर किससे आप सभी का कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल की ओर से, तो वीडियो को जो है लाइक करना, और अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैथ का हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।